बड़नगर के गीता भवन न्यास ट्रस्ट समिति ने प्रेस वार्ता रख कर बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने की स्थिति में प्रतिदिन नगर के निकाय में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी गेट, झुग्गी झोपड़ियों में और बाहर से आने वालों को गीता भवन न्यास समिति प्रतिदिन सुबह और शाम 1800 भोजन के पैकेट वितरित कर रहा है। गीता भवन समिति के अध्यक्ष हरकिशन मेलवानी ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक मुरली मोरवाल के सानिध्य और परामर्श में आने वाले किसी भी परिस्थिति में गीता भवन द्वारा प्रतिदिन भोजन पैकेट बांटने का कार्य करता रहेगा। इसके अलावा किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन के पैकेट की अगर आवश्यकता है तो वह गीता भवन ट्रस्ट पर आकर ले सकता है। भोजन पैकेट बनाने की व्यवस्था में समिति के सदस्य अपना अमूल्य समय निकाल कर सभी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। देखिए, ये जो गीता भवन संस्था है ये असल में मानव तीर्थ है। हमारा पहला उद्देश्य बड़नगर में कोई भूखा न सोए और बड़नगर में कोई भूखा न रहे। इस निमित्त यहाँ जो प्रतिदिन तो भोजन दोनों समय होता है, लेकिन इस महामारी में एवरेज 1600 से 1800 पैकेट अभी वर्तमान में तो रोज जा रहे हैं और पैकेट भी हमारा जो खाद्य सामग्री है, एक समय रोटी जाती है, एक समय चावल जाता है, अचार जाती है, मर्ची जाती है, कभी नमकीन जाता है, पीठा जाता है। हमारा ये सोच है कि जिसको पैकेट जाए वो तृप्ति से भोजन खाए और उसको आनंद आए। इस तरीके से गीता भवन की ये कार्रवाई चल रही है। हमारा यहाँ जो दान दे रहे हैं, उन दानदाताओं को भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपका दान यहाँ 12 महीने काम आएगा। आपका दान यहाँ कई जो गतिविधियाँ चलती है उनमें भी काम आएगा। तो आप लोग यहाँ पर भरपूर दान दे सकते हैं, क्योंकि गीता भवन दान के लिए आपको कहता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।